हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। एंड सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रिसर्च को सेव करके रख सकते हो। मतलब गाइस, क्या होता है कि हम मोस्टली गूगल से ही रिसर्च करते हैं, चाहे गाइस वो रिसर्च आपके स्टडी से रिलेटेड हो या फिर गाइस कंटेंट से रिलेटेड हो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट एंड सुटेबल फील करने लगते हैं एंड हम जो अपनी रिसर्च उसी पर ही करते हैं। बट गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें वो वेबसाइट मिलती नहीं है और हमें फिर रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड गाइस, आज के स्टूडियो में आपको इसी चीज का सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी रिसर्च को सेव करके रख सकते हो गूगल के साथ। गाइस, जानने के लिए बने रहो वीडियो के एंड तक, और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके कर देना ऑल, ताकि आपको ऐसी ही टेक और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है गाइस अपने गूगल एप्लीकेशन में। आपको यहाँ पे रैंडमली कुछ भी सर्च मार लेना है। चलो जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांसलेट सर्च कर लेता हूँ। एंड गाइस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उस पर क्लिक करने के बाद तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कि गाइस, मैं अब यहीं पे ही अपने इंग्लिश के वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सो गाइस, अब मान लीजिए ये मेरे को नहीं मिलती है तो इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड गाइस, इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है गाइस? एंड गाइस, आप यहाँ पे शेयर और ये थ्री डॉट्स के साइड में एक आइकन दिख रहा होगा, ये सेव का आइकन है। आपको जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। एंड गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये जो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड गाइस, ये मैंने एक वो बना रखा है फोल्डर, तो यहाँ पे गाइस आप इसको चेंज भी कर सकते हो। नॉर्मली अपने फेवरेट पेजेस पे भी डाल सकते हो या फिर कोई एक नया भी क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस, चलिए अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये सेव कहाँ पे होता है। सो गाइस, इसके लिए आपको नॉर्मली यहाँ पे नीचे आना। एंड गाइस, आप यहाँ उसके बाद यहाँ पे सर्च के साइड में कलेक्शन का ऑप्शन देख रहे होगे, तो यहाँ पे आपको कलेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कलेक्शन पर क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने जो है यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे पूरा क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये गूगल ट्रांसलेट वाला वेबसाइट सेव करके रखा था, यहाँ पे गाइस ये सेव हो चुका है। एंड गाइस, इसको ओपन करने के लिए आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है एंड ये जो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। एंड गाइस, मैंने इसी तरीके से अपनी काफ़ी सारी रिसर्च अपनी यहाँ पे सेव करके रख रखी है। एंड गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे गाइस गूगल की ट्रिक्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो मैं यहाँ पे रिसर्च करता रहता हूँ अपने कंटेंट से रिलेटेड। एंड यहाँ पे फेवरेट पेजेस पे जाओगे तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप फोल्डर्स भी बना सकते हो। गाइस, ये जितना भी है डेटा गाइस मैंने जो ये रिसर्च करके रख रखा है। एंड इससे गाइस क्या होगा कि हमारे जितने भी हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो हमारी सेफ रहेंगी गाइस। एंड हमें जब भी कुछ रिसर्च करना होगा तो हम जो यहाँ पे नॉर्मली अपने सेव वाले कलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाके और हम उसको देन दोबारा से रिसर्च कर लेंगे। गाइस, इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में गाइस आपका जो मेल आईडी गूगल में वो लॉगिन होना चाहिए। गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो अपनी मेल आईडी गाइस अपने मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में लॉगिन करके रखी हुई है, तो गाइस आप इसको लॉगिन करके रखना है, ये तभी सर्च हो पाएगी। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने रिसर्च को कैसे सेव करके रख सकते हो गूगल के साथ। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक और शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको ऐसे ही टेक और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।